एपीएमसी पुलिस स्टेशन के सेक्टर 19A में एक कचरे का डेपो है, वो कचरा डेपो में एक डेड बॉडी मिला था 27 तारीख को। पुलिस ने वहाँ विजिट करने के बाद पता चला कि ये टोटली डिकम्पोज बॉडी है और कुछ दिन पहले वो उसकी डेथ हुई होगी। वो बॉडी के ऊपर सिर्फ एक हाथ शर्ट्स का एक टुकड़ा था कपड़े का और सर के थोड़े से बाल बचे हुए थे। उसके हिसाब से हमने पता लगाया कि एक अनुमान लगाया कि ये एक जेंट्स पुरुष जाति का डेड बॉडी है। उसको हॉस्पिटल में भेजा दिया गया, लेकिन एक डाउट था कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो बॉडी प्लास्टिक में रैप की हुई थी। ज़्यादा छानबीन करने के बाद एपीएमसी टीम को पता चला कि इससे बाजू में एक झोपड़ा है, उस झोपड़े में से रहने वाली एक औरत यहाँ से मिसिंग है। तपास करने के बाद उसका पता पुलिस ने छान लिया और वो सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में कहीं दूसरे झोपड़े में रहती थी। उसको बुलाने के बाद पता चला कि एक दिन दिवाली के बाद उसका पहला पति जो है प्रवीण नायर, जिसके साथ उसने पहली शादी की थी, उससे एक बच्चा उसको है। उसके बाद दोनों में झगड़ा होने की वजह से उन्होंने दूसरा अपने पति का पहले पति का साथीदार जो है प्रेम बहादुर सावंत, जो नेपाल का रहने वाला है, उसके साथ वो रहती थी, उससे भी एक बच्चा उसको है। एक दिन रात को दोनों साथ में पार्टी किया, दारू पिए और दोनों में किसी बात से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद एक प्रेम बहादुर सावंत ने प्रवीण नायर को हाथ और पाँव से ज़ोर से मारा, उसके सर पे पाँव से चप्पल पहने हुए पाँव से वार किए, जिसकी वजह से सुबह उसे पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो उसने वो डेड बॉडी प्लास्टिक में रैप करके कचरे के डिब्बों में बाजू में फेंक दी थी। एक महीने से ज़्यादा वो बॉडी वहाँ रहने के बाद वो पूरा डिकम्पोज हुआ था। एपीएमसी ने एक स्पेशल टीम फॉर्म किया था एसीपी वत्स के नेतृत्व में और सीनियर इंस्पेक्टर एपीएमसी के। उन्होंने कुछ पैसे नहीं होने की वजह से रुका हुआ ये नेपाली एक्यूज जो है प्रेम बहादुर सावंत, जिसको अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट करने के बाद उसने ये गुनाह किया, ऐसा जवाब पुलिस स्टेशन में दिया है। ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं कि इसमें उसने उसको कोई साथीदार है या उसने किस रीज़न की वजह से उसको मारा, इसमें उसने कोई वेपन यूज़ किया है क्या, इसके बारे में एपीएमसी पुलिस तपास कर रही है। माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस किया गया आज और 5 जनवरी तक उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा दिया है। आरोपी का फिलहाल तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। 28 तारीख को वाशी सीनियर इंस्पेक्टर को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अमित कुमार झा नाम का इसम है, जो लॉजिस्टिक की गाड़ी पे ड्राइविंग का काम करता है, गाड़ी चलाने का काम करता है, वो अपने खिस्से में एक पिस्टल लेके घूमता है और उसके पॉकेट में लाइव राउंड्स भी रहते हैं। 14:30 यानी 2:30 को वो रघुलीला मॉल के आसपास आने वाला है। वहाँ हमारी टीम हमने लगाई थी और टीम लगाने के बाद सेम वर्णन का जो इसम है वो मिलने के बाद उसको कब्जे में हिरासत में ले लिया। ज़्यादा पूछताछ के बाद उसने अपना नाम अमित कुमार झा बताया, जो रहने का कलम्बोली का है। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम बिहार। उसकी आंग झड़ती लेने के बाद उसके पास एक पिस्टल मिला, जिसके राइट हैंड के पॉकेट में 2 लाइव राउंड्स भी मिले, कुछ रकम और मोबाइल के साथ ये सारी चीज़ बरामद की गई है। माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस किया, उसको 1 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। वाशी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये पिस्तल उन्होंने कहाँ से लिया, वो किसको बेचने वाला है, या उसने खुद कहीं किसी को धमकाने के लिए लाया था या किसी को मारने के लिए लाया था। इसकी सारी तहकीकात पुलिस कस्टडी रिमांड में पता चलेगी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।